छतरपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला और उसके बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। इस हमले में महिला की मौत हो गई व उसके बच्चे घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर के रजपुरा गांव से हत्या का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला और उसके बच्चों पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है, पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जानलेवा हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बच्चे घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मृत महिला का नाम गीता यादव और उसके बच्चों के नाम टिंकू व प्रिंसी बताया जा रहा है। महिला के पति का नाम हरलाल यादव है। महिला के पति का अपने ही परिवार के चाचा से किसी बात पर अनबन थी, जिसके चलते चाचा राजा राम व उनके साथी हीरालाल के घर में घुसे और धारदार हथियार से उनकी पत्नी व बच्चों पर हमला कर दिया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष ने महिला का शव सड़क पर रखकर बिजावर गुलगंज रोड के रजपुरा में जाम लगाकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर घर में घुस के मार दिया रात के राजा राम कनई भाई चल जो हमारी पत्नी है, सर हमारी पत्नी ने पत्नी पे किया, सर बच्चा को भी सर मार गर्दन आदि काट दी, बच्ची की भी गर्दन काट दी। ये रजपुरा गांव आता है थाना गुलगंज अंतर्गत, वहाँ पे हमारे पास जानकारी आई कि जो गीता यादव है, जिनके लगभग 30 ईयर्स के आसपास है, जिनके 2 बच्चे हैं, उनकी डेड बॉडी घर पे है और उसमें कुछ चोट के निशान भी थे। सीरियस मैटर था, थाना प्रभारी अनुभाग का बल गया और उसका पीएम करा लिया गया। अभी मर्ग हमने कायम कर लिया और जैसे इसमें साक्ष्य आएंगे और जो भी तथ्य मिलेंगे उस अनुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।